जिसमें 5 फौजी हलाक हो गए हैं। जी हां, एक जूनियर कमिश्नर ऑफिसर JCO समेत 5 फौजियों की आज सुबह उस वक्त मौत वाकया हुई जब उनका T-72 टैंक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब मंदिर मोड़ में हादसे का शिकार हो गया। फौजी जराए के मुताबिक टैंक हादसे का वाका सुबह 3 बजे के करीब मशक के दौरान पेश आया। मशक में दरिया पार करने की प्रैक्टिस भी शामिल थी और दरिया पार करने के दौरान पानी की सतह में अचानक इजाफा शुरू हुआ जिसकी वजह से यह हादसा पेश आ गया। यह हादसा लद्दाख के दौलत बेग ओल्ड इलाके में पेश आया। फौजी बयान के मुताबिक टैंक तांगिस्ते इलाके की तरफ जा रहा था जब यह अलमनाक हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि हादसा में फौत हुए 5 फौजियों की लाशें बाजियाब कर दी गई हैं। दरियासना लेह में तैनात एक सीनियर पुलिस अहलकार ने NN न्यूज़ को बताया। मुतल्लिका पुलिस चौकी यहां से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर है। जाए हादसा से रिपोर्ट आने के बाद ही दुरुस्त तफसीलात शेयर की जाएंगी। DBO इलाका वादी गलवान से राबिता का पहला मकाम है जहाँ 2020 में भारतीय फौज और PLA के दरमियान झड़पें हुई थीं। याद रहे कि लद्दाख में LAC भारत के लिए चीन के साथ 1962 की जंग के पस मंज़र में स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल है। साल 2020 में भारत और चीनी अफवाज के माबैन हुई झड़पों के बाद ये इलाका काफ़ी हसास है। काबिल ज़िक्र है कि 15 जून 2020 को हुई झड़पों में असला और गोला बारूद का इस्तेमाल किए बगैर ही 20 भारतीय फौजी हलाक हुए थे जिनमें एक कर्नल रैंक का अफसर भी शामिल था। चीन ने इन झड़पों में 4 फौजियों की हलाकत का एतराफ किया था। जी हां, हम आप तक ये अभी पहुंचा रहे हैं वो है एक जूनियर कमिश्नर अफसर JCO समेत 5 फौजियों की आज सुबह उस वक्त मौत वाकया हुई जब इनका T-72 टैंक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब मंदिर मोड़ में हादसे का शिकार हो गया। फौजी जराए के मुताबिक टैंक हादसे का वक्त सुबह 3 बजे के करीब मशक के दौरान पेश आया। मशक में दरिया पार करने की प्रैक्टिस भी शामिल थी और दरिया पार करने के दौरान पानी की सतह में अचानक इजाफा शुरू हुआ जिसकी वजह से यह हादसा पेश आ गया। यह हादसा लद्दाख के दौलत बेग ओल्ड इलाके में पेश आया। फौजी बयान के मुताबिक टैंक तांगिस्ते इलाके की तरफ जा रहा था जब यह अलमनाक हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि हादसे में फौत हुए 5 फौजियों की लाशें बाजियाब कर ली गई हैं। दरियासना लेह में तैनात एक सीनियर पुलिस अहलकार ने NN न्यूज़ को बताया। मुतल्लिका पुलिस चौकी यहां से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर है। जाए हादसा से रिपोर्ट आने के बाद ही दुरुस्त तफसीलात शेयर की जाएंगी। DBO इलाका वादी गलवान से राबिता का पहला मकाम है जहां 2020 में भारतीय फौज और PLA के दरमियान झड़पें हुई थीं। याद रहे कि लद्दाख में LAC भारत के लिए चीन के साथ 1962 की जंग के पस मंज़र में स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल है। साल 2020 में भारत और चीनी अफवाज के माबैन हुई झड़पों के बाद ये इलाका काफ़ी हसास है। काबिल ज़िक्र है कि 15 जून 2020 को हुई झड़पों में असला और गोला बारूद का इस्तेमाल किए बगैर ही 20 भारतीय फौजी हलाक हुए थे जब कर्नल रैंक का अफसर भी शामिल था। चीन ने इन झड़पों में 4 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया था। जी हाँ, ये खबर हम आप तक NN न्यूज़ की बराह रास्त नशरियात से पहुँच रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख में एक टैंक हादसे का शिकार हो गया जिसमें 5 फौजी हलाक हो गए हैं। जी हाँ, करगिल के ले ज़िले में LAC के करीब मंदिर मोड़ पर एक टैंक हादसे का शिकार होने से JCO समेत 5 फौजी अहलकार हलाक हो गए हैं। दिफाई हुकाम ने बताया कि यह वाक़ा सुबह 3 बजे के करीब पेश आया और तमाम फौजियों की लाशें निकाल ली गई हैं। इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है।